लद्दाख के पेंगोंग झील और देवसांग से पीछे हटने से इनकार कर रहे चीन ने तिब्बत में जोरदार युद्ध अभ्यास किया है। इस दौरान चीनी तोपों ने जहां बम बरसाने का अभ्यास किया, वहीं चीनी रॉकेट फोर्स ने भी लाइव फायर ड्रिल किया। माना जा रहा है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए लगातार लद्दाख से सटे इलाकों में युद्ध अभ्यास करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने यह अभ्यास ऐसे समय किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए भाषण के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमाई इलाके का दौरा किया था। चीनी मीडिया के मुताबिक यह अभ्यास तिब्बत के पठार पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर किया गया। चीन ने यह नहीं बताया कि यह अभ्यास कहां पर किया गया है। चीनी मीडिया ने कहा कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान कई नए युद्धक हथियारों का भी परीक्षण किया गया है। चीनी सेना सुबह 4 बजे एकजुट होकर कई यूनिटों के साथ हमले का अभ्यास किया। बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने सुबह सुबह उठकर अभ्यास के दौरान दुश्मन से बचते हुए कई किलोमीटर का सफर किया और हमला करने का अभ्यास किया। इस दौरान ड्रोन विमानों को सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलों से मार गिराया गया। इसके अलावा दुश्मन के कमांड पोस्ट, मिसाइल लॉन्चर और संचार हब पर बम बरसाए गए। इसके अलावा चीनी सेना ने दुश्मनों के अग्रिम मोर्चे पर तोपखानों से भारी गोलाबारी की। इससे पहले चीन ने लाइव फायर एक्सरसाइज में 120 मिलीमीटर की व्हीकल पर रखे जाने वाले होविजर तोप और HJ-10 एंटी टैंक मिसाइलें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री रीजन ने पिछले महीने ही टेस्ट की थी। 4,600 मीटर की ऊंचाई पर किए गए अभ्यास में कम कैलिबर की होविजर तोप देखी गई, जिसमें पहले जैसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसे 6 की जगह 4 ही पहाड़ियों की गाड़ी पर रखा गया था। वहीं ट्रक पर लदी HJ-10 में भी 4 की जगह 2 ही लॉन्चर थे। माना जा रहा है कि इन हथियारों में बदलाव शायद पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए वजन और लंबाई कम करने के मकसद से किए गए हैं। इन हथियारों को हवा के रास्ते भी ले जाया जा सकता है। हालांकि भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी अपनी तैयारियों से चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। इसी कड़ी में भारत चीन की इस दादागिरी के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर जल्द ही एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, जिसमें चीन की एयर डिफेंस सिस्टम में कितनी ताकत है इसका भी पता चल जाएगा। दरअसल अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आने वाले दिनों में ये अमेरिकी परमाणु बॉम्बर भारत के साथ जल्द ही फ्लाई ओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और एक दूसरे की सुविधाओं के इस्तेमाल का बड़े पैमाने पर अभ्यास कर सकता है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इस अभ्यास को भारत चीन सीमा पर अंजाम दिया जा सकता है। इस दौरान अमेरिकी बॉम्बर को चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को परखने का मौका भी मिल सकता है। बता दें कि अमेरिका के 3 B-2 बम वर्षक विमान इस समय अमेरिकी नेवल बेस डियागो गार्सिया पर तैनात हैं, जो भारत से मात्र 1000 मील की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी सारी खबर देखने के लिए और रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।